हेलो फ्रेंड, दिस इज मैनोज अय्या एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कमेंट मिले थे मुझे कि सर फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन कराइए, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। जो ये पेपर है दोस्तों, 2016 का जो पेपर है, जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसका सॉल्यूशन है, फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें 30 क्वेश्चन आए थे, तो उसको अपन तीन पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन 1 से 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये था, द थिकनेस ऑफ ए सॉफ्ट फिल्म इज 300 नैनोमीटर, व्हाट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज द विजिबल रीजन कैन बी यूज्ड टू कंस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑफ द फिल्म। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब भी वेव डेंसर मीडियम से, मैंने लिखा है इफ ए वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, तो इसका जो कभी भी वेव जो होती है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका फेज जो होता है वो 180 डिग्री चेंज हो जाता है। और 180 डिग्री अगर फेज होगा तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू, क्योंकि 360 डिग्री पर लैम्डा होता है, तो 180 पर कितना होगा, लैम्डा बाई टू। चलिए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला होता है कि 2 μT इक्वल टू एम लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू, क्लियर। ये होता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिविटी, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखो, 2 म्यू कितना दिया दोस्तों, म्यू अपन को दिया, म्यू या एन एक ही बात है, इसको म्यू भी लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये। तो ये दिया दोस्तों 1.6 इंटू टी, टी थिकनेस कितनी दी दोस्तों, थिकनेस दी अपन को 300 नैनोमीटर, क्योंकि आंसर अपन को नैनोमीटर में लाना है, इसलिए अपन चेंज नहीं करेंगे। एम एम की वैल्यू दोस्तों 1, 2, 3 हो सकती है, अपन 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2.1.46 इंटू 300 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 λ/2, ठीक है। यहां से आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 इंटू 1.646 इंटू 300 अपॉन 3, 3 से कट कर देंगे 100, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दिस वी विल गेट 584 नैनोमीटर। ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया आपको गिवन है, कैपेसिटर दिया हुआ है, ई दिया हुआ आपको, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, आपको 2016 का एमवी पेपर का डाउनलोड करना, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने इसका एम्पियर लॉ पढ़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये फाई क्या दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई जो होता है दोस्तों, ये होता है ई डॉट dA, A क्या है, एरिया, E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ID अपन को निकालना है, तो ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी थी एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, ओके। अच्छा, dE बाय dt, अपन को d phi की जगह अपन के लिखेंगे d बाय dt, phi की जगह मैं लिखूंगा E डॉट dA, ओके। तो ये हो जाएगा ID इक्वल टू 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ये हो जाएगा दोस्तों एरिया को बाहर ले लेंगे अपन, और ये हो जाएगा dE बाय dt। अब देखो ये e दिया हुआ अपन को, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा दोस्तों, id इक्वल टू 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, एरिया अपन कितना गिवन है दोस्तों, एरिया अपन को गिवन है 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 dE by dt। देखो e जो गिवन है ना अपन को वो है 2 इनटू 10 टू द पावर 5 माइनस 4 इनटू 10 टू द पावर 4 t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dE by dt, तो ये पोर्शन दोस्तों हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये वैल्यू अपन यहां पर देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 4 नेगेटिव, आपको अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 20 मल्टीप्लाई 8.5, तो 8.85 इंटू 20 और 10 टू द पावर हो जाएगी माइनस 14 बच गया माइनस का 10, आफ्टर व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट बी आंसर 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एम्पीयर, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर पूछा था द क्यूरी टेम्परेचर फॉर कोबाल्ट इज, दोस्तों ये तो याद करने का था, तो ये बेसिकली आपको ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए, 1388 केल्विन जो होता है वो उसका क्यूरी टेम्परेचर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट इज n टाइम्स द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट। देखो दोस्तों, एक तो सिंगल स्लिट से अपन डिफ्रेक्शन कराया और एक डबल स्लिट से कराया, दोस्तों होता क्या है, डबल यहां से अगर इसका तो इसका एम्पलीट्यूड a निकलेगा, तो यहां से जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो 2a निकलेगा, और आपको पता है जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 2π²
एन स्क्वायर ए स्क्वायर रॉ वी, इसका मतलब जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए का स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले इंटेंसिटी ए थी तो अब टू ए स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, मतलब फोर टाइम्स हो जाएगी। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके थैंक यू। द क्वेश्चन नंबर फाइव विल बी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड विद ए पाइप प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल 2 डिग्री एंड न्यू दिया हुआ आपको और 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द बाय प्रिज्म 20 सेंटीमीटर द फ्रिंज विड्थ इज इतना, तो वेवलेंथ निकालें। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये बेसिकली पहले जो पीएमटी के कोर्स में था, बट ये बाद में हटा दिया गया, ये आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा लेकिन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अपन सॉल्यूशन करने के बाद अपन डिस्कशन करेंगे किस तरह से पेपर सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये कैसे करना है, ये फ्रेनेल बाय प्रिज्म पर है, तो फ्रेनेल बाय प्रिज्म का अगर आपने प्रैक्टिकल देखा हो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो पता ही है कि जो यंग ने डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट किया था उसने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला अपन को ये दिया था, और फ्रेनेल ने जो ये बताया था, फ्रेनेल ने बताया कि डी इक्वल टू टू ए म्यू माइनस वन इंटू अल्फा होता है। ये जो दोस्तों ए है, ए बेसिकली क्या है, 20 सेंटीमीटर, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये वाली द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द बाय प्रिज्म, तो ये वैल्यू होती है ए की। तो ए कितना दिया आपको, ए दिया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज म्यू, म्यू दिया आपको दोस्तों 1.5। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 2 डिग्री, लेकिन इसको अपन को डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो 2 इनटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके ठीक है। अच्छा, और आपको क्या दिया, फ्रिंज विड्थ दी हुई है, फ्रिंज विड्थ किसमें दी हुई दोस्तों, फ्रिंज विड्थ आपको दी हुई है 0.10 mm, तो 0.10 mm। देखो आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में है, तो अपन इसको एक बार तो क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 10 की पावर माइनस 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको डेटा दिया हुआ है, अपन को निकालना है बेसिकली लैम्डा। तो मुझे जो अच्छा डी, डी भी क्या होगा दोस्तों, डी होता है ए प्लस बी, तो देखो ए कितना है 100, ए मतलब 100 और बी कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है लैम्डा। देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लैम्डा रहेगा बीटा मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन कैपिटल डी। व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0.10 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3। व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 और अल्फा अपॉन कैपिटल डी, मतलब a प्लस बी। अब सारी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, 0.10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 2 इनटू a। व्हाट इज a, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, म्यू माइनस 1, व्हाट इज द म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1। अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 100 प्लस 20 मतलब 120। दोस्तों इस सब को आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5820 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप सॉल्व के लिए सॉल्व तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोटॉन विद रेस मास ऑफ इतना दिया हुआ है और ये एक्सेलरेटर मोशन कर रहा है, उसकी वैल्यू से दी हुई 0.6 ही दी हुई है, अपन को टोटल एनर्जी पूछिए। तो दोस्तों इसके अंदर दो चीजें लगेगी, सबसे पहले तो आइंस्टाइन की इक्वेशन आप याद रखिए, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये जो मास है ये रेस्ट मास नहीं है, ये वेलोसिटी का जो मास होगा वो है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव विड्थ का, एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है वी इक्वल टू 0.6 सी, तो अपन ये m निकाल देते हैं, तो m आ जाएगा m नॉट 1 माइनस 0.6 सी अपॉन सी का स्क्वायर। देन यू सॉल्व एंड यू विल गेट m नॉट 0.8, राइट, m इक्वल टू m नॉट 0.8। ये वैल्यू यहां पुट अप कर देते हैं अपन, e इक्वल टू m नॉट 0.8 इनटू c की वैल्यू होती है दोस्तों 3 इनटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। m नॉट की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन का, 1.67 माइनस 27, ये 0.8 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 16। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 को 1 पर से तो 15.03 मिल जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10 टू पावर माइनस 11 और नीचे 0.8 है, इस पॉइंट को हटाओगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 जूल। ओके थैंक यू। The next question is question number 7th, और ये question भी जो दिया है वो relativity के concept पे है। अपन को दिया था time period of pendulum is 2 second दिया हुआ है, in a stationary initial frame, और अपन को बोला its period measured by an observer moving at a speed of 0.6c with respect to the initial frame। अपन को बताना कि उसका pendulum का इसके respect में time period क्या हो जाएगा। तो simple से है दोस्तों, time period पहले कितना था, 2.0 था, तो आपको याद रखना कि t equal to t0 1 minus ये होता है v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर।
राइट। तो टी नॉट था 2 सेकंड, 1 माइनस वी, वी दिया आपको दोस्तों 0.6 सी और ई दिया सी, तो इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.8 एंड आफ्टर दैट यू सॉल्व दैट तो यू विल गेट 2.5 सेकंड। द आंसर इज डी। थैंक यू। The next question is light of wavelength 5800 angstrom दी हुई है, d दिया हुआ आपको और 2 मीटर डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो ये तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है YDSC पढ़ते हैं अपन, उसका क्वेश्चन है, उसके अंदर पता होना चाहिए कि बीटा इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d, जो क्वेश्चन आपने पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो वो थी d लैम्डा अपॉन d, तो अपन को निकालना है बेसिकली क्या निकालना है, बीटा ही निकालना अपन को। तो d कितना गिवन दोस्तों, d गिवन है 2, लैम्डा इज 5800 angstrom, right? And d is equal to दिया हुआ आपको 0.2 mm दिया हुआ है। तो after changing angstrom to अपन को आंसर किस में चाहिए? अपन को आंसर mm में चाहिए, मतलब तो इसको 10 to the power minus 10 कर दीजिए, इसको 0.2 है तो इसको 10 to the power minus 3 कर दीजिए, एक बार इसको solve कर लीजिए, ठीक है, solve कर लीजिए और उसके बाद में वापस को n में change कर देना, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो b आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, the next question is question number 9, the quantum mechanical model of hydrogen atom। basically ये जो questions है वो atomic structure से आया है, इसको अपन detail में पढ़ेंगे, बहुत ही simple question है। अपन को जो orbital quantum number वो 4 दिया हुआ है और अपन को पूछा magnetic quantum number क्या होगा, तो बहुत ही simple है दोस्तों, देखो ये 4 दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए magnetic quantum number कितने possible है, -4 possible है, -3 possible है, -2 possible है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 9, और उसका फॉर्मूला बेसिकली होता है 2n+1, तो अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो आंसर विल बी सी। ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, आपको दिया हुआ है कि फ्रेम s मूव्स करती है रिलेटेड टू फ्रेम s एट ए स्पीड ऑफ 2.4 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग s, एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इतनी स्पीड से फायर किया जाता है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है आपको अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 1.8 × 10⁸, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जर्वर की कितनी है, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर की है आपकी दी हुई 2.4 × 10⁸, तो अपन को ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालनी। दोस्तों जब भी आपको वेलोसिटी लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल दी हो, जैसे यहाँ पर 1.8 × 10⁸ आ गया है, तो ये लाइट की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू के इक्वल है, लाइट की वेलोसिटी के, तो वहां पर जो कंसेप्ट लगता है वो रिलेटिविटी का लगता है, तो इसका बेसिकली आंसर ये होगा कि आपको वी ऑब्जेक्ट की निकालनी है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, तो सिंपल सा आपको रिलेटिव कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, वी ऑब्जेक्ट अपॉन 1 माइनस, ठीक है, वी ऑब्जेक्ट 1 माइनस वी ऑब्जेक्ट अपॉन वी ऑब्जर्वर का स्क्वायर। तो वी ऑब्जेक्ट कितना दिया, 1.8 × 10⁸, तो इसको आपको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये 1.8 × 10⁸ अपॉन 2.4 × 10⁸ का स्क्वायर, ओके। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.8 × 10⁸ आएगा, ये 10⁸ कट जाएगी और ये 3/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 − 3/4 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, तो सॉल्व करोगे 4 पर आएगा 4 × 1.8 × 10⁸, और यहाँ जो बचेगा 16 − 9, तो ये बचेगा √7, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 2.8 × 10⁸, ओके। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 11 से 20 क्वेश्चन करेंगे और फिर थर्ड पार्ट करेंगे, और उसके बाद में बताऊंगा आपको फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और किस तरह से फिजिक्स की प्रिपरेशन की जाए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।